हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिस सोन। आज मैं आपके लिए भरवा भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। भरवा भिंडी हम बनाएंगे तो सही, लेकिन बनाएंगे कुछ अलग तरीके से। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करें। भरवा भिंडी बनाने के लिए मैंने हाफ के जी भिंडी लिया है, उसे मैंने धोकर सुखा लिया है अच्छे से। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून बेसन डालेंगे जिसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाना चाहिए, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें से भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो गई है, इसे हम अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी पैन में हम 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे जिसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। जितनी देर तेल गर्म होता है उतनी देर में हम भिंडी को इसी तरह से काट लेंगे। बीच में से ऐसे आपने भिंडी को काट लेना है। जो तेल हमने गर्म किया है उसे हम बेसन में ही ट्रांसफ़र कर देंगे, ये नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, गार्लिक पाउडर और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे भिंडी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, ऐसे आपने ट्रांसफ़र करना है। मैं चम्मच से ट्रांसफ़र कर रही थी तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको फिंगर से ही उसके अंदर अच्छे से फिल कर दें तो ज़्यादा बेहतर लगा मुझे, तो मैंने उसको फिंगर से ही फिल किया है। देखिए, ऐसे फिल कर लीजिए आप, क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा लग रहा था। इसी तरह से आपने सारे मिक्सचर जो है फिल कर लेना है भिंडी के अंदर। अब हम इसी पैन में ऑयल दोबारा से डालेंगे और उसे अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें इस भिंडी को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन से ढक देंगे और इसे हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि ये कुरकुरे बने। बीच में आपने एक आध बार भिंडी को हल्के से हिला देना है ताकि वो नीचे से जले ना। अगर आप भिंडी इस तरह से बनाएंगे तो आपकी भिंडी कभी भी लेसदार नहीं बनेगी। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और टेस्टी भी बहुत बनती है, क्योंकि ये कुरकुरी सी बनती है। अब हमारी भिंडी सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।